सर्प ग्रह, यहाँ पर जो सरीसृप प्रजाति के जंतु हैं वो रखे जाते हैं। इनका प्रवेश निःशुल्क है, चिड़ियाघर में आप आएँ तो इसका प्रवेश निःशुल्क है। और इसमें कई प्रकार के सर्प रखे गए हैं जिनकी आप कैप्सूल देख सकते हैं। और बहुत ही सर आप देख सकते हैं, छोटे छोटे सर उठाए हुए हैं जो कि छुपे हुए हैं, उनके छुपने का भी इंतजाम किया जाता है और जगह जगह इनके कैप्सूल उतारने का भी इंतजाम है। ये इंडियन ब्राउन कोबरा, भारतीय भूरा नाग, बिजधर कहा जाता है, बहुत ही जहरीला होता है। और बोरे के कैचुल जो इनके खाल होती है अभी उतार लेते हैं कैचुल के रूप में। और ये रसेल वाइपर चीतल बिस्धर जो कि इस समय आराम कर रहा है, उसकी कैचुल ऊपर टंगी हुई है, वो कॉर्नर में आप देख सकते हैं कॉर्नर में बैठा हुआ है। ये बिस्धर होता है चीतल यानी बिस्धर, ये बिपेरा है या सुसेली इनका वैज्ञानिक नाम होता है। ये लगभग 3 फुट के होते हैं, हल्के भूरे रंग के, पीले रंग के होते हैं, इनकी आंखें काली तथा और पुतली वर्चुअल होती हैं। इनके शरीर की खाल थोड़ी खुदरी होती है। ये प्रजाति भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी जगह पाए जाते हैं और किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये खेतों में उनके सांपों को, खेतों पे चूहों को खाकर उनकी फसल की रक्षा करते हैं। ये दिन और रात में विचरण करते हैं और गुस्सा होने पर ही शरीर में कुंडली बनाकर बैठ जाते हैं और प्रेशर कुकर के जैसे सीटी बजाकर पहले चेतावनी देते हैं। इनके नज़दीक आने पर या गलती से इनके ऊपर पैर पड़ने पर ही हमला करते हैं, पैर तभी काटते हैं। चीतल के जहर से ही सांप प्रतिरोधी इंजेक्शन एंटी स्नेक वेनम बनाया जाता है और विदेशों में दवा बनाने वाली कंपनी इनके जहर से कैंसर प्रतिरोधी और दर्द को कम करने वाली दवा बनाते हैं। यानी इनका जो जहर होता है बहुत ही महंगा बिकता है और बहुत ही काम आता है। चीतल बिस्तर, जब आप सरीसृप गृह में आएंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय काला नांग भी देखने को मिलेगा जो इस समय विश्राम कर रहा है, कंबल के नीचे जो विश्राम कर रहा है भारतीय काला नांग। हरा गर्ता घूना बिस्तर, सरीसृप में आपको हरा गर्ता घूना सांप भी आपको मिलेगा। जब आप सरीसृप में आए तो सुबह शाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। अजगर, यह विषहीन होता है, बस अपनी पकड़ से अपने शिकार को तोड़ देता है और इसमें पानी के अंदर जो ये कुंड बना हुआ है इसके अंदर अभी आराम कर रहा है। ये बिस्तर होता है और ये शरीर से बहुत ही भारी और गाढ़े भूरे रंग के होते हैं। ये अपने शिकार को कुंडली मारकर जकड़ लेते हैं और उनको समेत सजा ही निकल जाते हैं। आप देखना चाहें तो ब्लैक कलर का काला काला उनसे के प्यार के ढेर में बैठा हुआ अजगर, क्योंकि ये जानवर लोगों के शर्मीले स्वभाव के और डरपोक टाइप होते हैं जो कि भारी भीड़ देखकर डर जाते हैं और मौका पाकर अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। इसको इंडियन रॉक पाइथन भी बोलते हैं। लता सांप, ये अर्धबिस्तर होता है और पेड़ पौधों पे ही लटकना पसंद करता है, रहना पसंद करता है। आप देख सकते हैं हल्का सा उसकी पूंछ दिखाई दे रही है जो कि छुपा हुआ और आराम कर रहा है, इसको लता सांप बोलते हैं। भारत में सिर्फ उत्तर पश्चिम तथा गंगा बेसिन को छोड़कर सभी जगह पाई जाती है। दोमुहा सांप, यह बेसहीन होता है और इसको हम अपने गांव की भाषा में दुमही बोलते हैं, जिसका 6 महीने एक तरफ का मुंह खुलता है और 6 महीने दूसरी तरफ का मुंह खुलता है। ये किसानों के मित्र भी होते हैं और खेतों में पाए जाते हैं जो कि चूहा मेंढक या अन्य छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाकर किसानों की मदद करते हैं। भूरिया,
यानी पानी वाला सांप। हाँ ऐसे नहीं होगा, ये पानी में रहता है और विषहीन होता है, क्योंकि पानी में रहने के कारण ये विषहीन होता है और इसके शरीर पर हरे काले तथा गाढ़े पीले रंग के खुरदरे स्केल्स होते हैं। इनकी आंखें बड़ी और पुतलियां गोल होती हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़कर भारत में सभी जगह पाया जाता है। ये नदियां तालाबों तथा झीलों में पाए जाते हैं। ये मेंढक कोड मेंढक या इन्हीं सभी का सेवन करते हैं। देहाती भाषा में इन्हें पन्हा सांप भी बोलते हैं, पन्हा सांप के रूप में इनको जाना जाता है। धामन ये भी आपका विषहीन होता है, इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। ये घोड़ा पछाड़ कहते हैं और ये इसकी जो चाल होती है बहुत तीव्र होती है, तेज होती है और इसकी कैंचुल देख सकते हैं आप काफ़ी फैली हुई है। और इसको घोड़ा पछाड़ भी कहा जाता है। ये इसकी जो दौड़ होती है वो घोड़े को भी पछाड़ देती है, इसलिए इसको घोड़ा पछाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये चिड़ियाघर में स्थापित सरीसर्प घर है, रेप्टाइल हाउस। जब भी आप चिड़ियाघर आए तो ये निःशुल्क है, इसको ज़रूर देखें। सांपों के कई प्रकार की प्रजातियां यहां पर हैं, इनको ज़रूर देखें।